बड़ी खबर, पाकिस्तान की सियासी उठापटक का आज फाइनल रिजल्ट आने वाला है। इमरान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर आज फैसला हो जाएगा। साथ ही यह तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि मुल्क की बागडोर किसके हाथ में होगी और इमरान का फ्यूचर प्लान क्या होगा। भारतीय समय अनुसार सुबह 11 बजे नेशनल असेंबली में कार्यवाही शुरू होगी। इमरान इस वक्त बेहद इस बात से दुखी जो कोर्ट का फैसला आया, उन्होंने इसका जिक्र भी किया और साथ ही साथ आवाम से, वहां की जनता से ये अपील की कि अब आपको सड़कों पर निकलना पड़ेगा, प्रदर्शन करना पड़ेगा। लोगों से निकलकर प्रदर्शन करने के लिए कह रहे हैं इमरान खान। लेकिन आज इमरान ने फिर की भारत की तारीफ। खुद्दार मुल्क है हिंदुस्तान, ये बात इमरान कह रहे हैं। भारत को कोई आंख नहीं दिखा सकता। भारत की तारीफ पर पाकिस्तान में जो विपक्ष है वो भड़क गया है। मरियम कह रही है भारत अगर पसंद है तो पाकिस्तान छोड़कर भारत ही चले जाएं। यूपी में अवैध निर्माण वालों पर बाबा का बुलडोजर चल रहा है। अपराधियों भूमाफियाओं पर लगातार बुलडोजर वाली कार्रवाई हो रही है। हालांकि अब यूपी सरकार ने अधिकारियों को साफ निर्देश देते हुए कहा कि हर किसी अपराधी की संपत्ति पर बुलडोजर ना चलाया जाए। बुलडोजर वाली कार्रवाई से पहले पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाए। यूपी में योगी आदित्यनाथ ने दोबारा कमान संभाली तो अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर ने भी अपनी रफ्तार पकड़ी। शहर शहर में अवैध कब्जों पर वार हुआ, बुलडोजर के जरिए भू माफियाओं पर प्रहार हुआ। योगी बाबा का बुलडोजर जैसे जैसे आगे बढ़ा, कानून तोड़ने वालों में कार्रवाई का खौफ बढ़ा। लेकिन इस कार्रवाई के बीच कुछ शहरों से ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जहां पुलिस किसी अपराधी के घर बुलडोजर लेकर पहुंच गई। अपराधी के घर बुलडोजर वाली कार्रवाई का डर दिखाया, बुलडोजर के जरिए सरेंडर करने का दबाव बनाया। अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस को यूं तो कानून की ताकत, डंडा और पिस्तौल के हथियार दिए गए हैं, लेकिन एक नया हथियार उत्तर प्रदेश पुलिस को खूब भा रहा है। यह हथियार बुलडोजर का है। उत्तर प्रदेश पुलिस लगभग हर शहर में बुलडोजर अपराधियों के घर पर खड़ा कर रही है और घर को गिरा देने की धमकी दे रही है। अब ऐसी ही कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया गया है, जिसमें साफ कहा गया कि बुलडोजर वाले एक्शन से पहले यह तय किया जाए कि ऐसी किसी कार्रवाई की शिकायत ना आए। पहले भी यह चीज स्पष्ट की जा चुकी है और दोबारा भी यह शासन की तरफ से निर्देश आए हैं कि बुलडोजर का दुरुपयोग किसी भी स्थिति में न हो और सभी न्यायिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही इस तरह की चीजें की जाए। सीएम की ओर से दिए निर्देश में कहा गया है कि बुलडोजर से अवैध संपत्तियों को ढहाने की कार्रवाई केवल पेशेवर माफियाओं और अपराधियों पर हो, किसी भी गरीब की झोपड़ी पर बुलडोजर नहीं चलेगा। साथ ही ये भी कहा गया कि ऐसी किसी भी कार्रवाई से पहले कानूनी प्रक्रियाओं का पूरी तरह से पालन किया जाए। नॉर्मली जो बुलडोजर का इस्तेमाल वैसी जगह पे किया जा सकता है जिन्होंने कोई भी सरकारी जमीन अवैध तरीके से कब्जा कर लिया है तथा इसके बारे में न्यायिक आदेश पारित हो गए, वो वहां के संबंधित एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा भी हो सकता है और सक्षम न्यायालय के द्वारा भी हो सकता है, या इसके अतिरिक्त किसी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने भी नोटिस जारी किया हो तोड़ने का, इंक्रोचमेंट हटाने का, लेकिन इसके बावजूद लोगों ने ये अपना इंक्रोचमेंट नहीं हटाया है और डेवलपमेंट अथॉरिटी अगर हमसे फोर्स मांगती है तो केवल फोर्स मुहैया कराया जाता है, बुलडोजर वो अथॉरिटी अपने तरफ से ले जाती है। जिस बुलडोजर ने यूपी चुनाव में धूम मचाई वो बुलडोजर चुनाव के बाद रफ्तार में है। यूपी के अलग अलग शहरों में बुलडोजर के कहर की तस्वीरें लगातार सामने हैं। विपक्ष इसे बदले की कार्रवाई बता रहा है तो वहीं सरकार अपराधियों पर नकेल कसने वाला एक्शन। कोई कुछ
कह दे, आपकी विचारधारा पर कोई सवाल उठा दे, तो उसका आप पर्सनल दुश्मनी निकालेंगे, तो सरकार आप क्यों चला रहे हैं? गुंडाई करिए, सरकार क्यों चला रहे हैं आप? तो ये गुंडागर्दी है और संविधान का विरोध है, खुलेआम उल्लंघन है, जो बिल्कुल ही जनमानस के लिए ठीक नहीं। लेकिन अब सरकार की ओर से साफ किया गया है कि हर अपराधी की संपत्ति पर बुलडोजर चलाना सही नहीं, और अगर ऐसी शिकायत मिलती है तो कार्रवाई भी की जाएगी। किसी भी तरीके का वांटेड क्रिमिनल या वैसे लोगों के विरुद्ध बुलडोजर का उपयोग करना सर्वथा गलत है, और इस संबंध में सबको बार बार ये बताया जा रहा है कि अगर किसी जगह इस तरह के दुरुपयोग की शिकायत या छोटे मोटे व्यक्तियों पर ऐसे जगह पे जिसके पास कोई अल्टरनेटिव चीजें नहीं है और बिना समय दिए अगर दुरुपयोग किया जाएगा तो इसको काफी एडवर्सली व्यू किया जाए। यूपी में बुलडोजर वाली कार्रवाई से अपराधियों में खौफ है, लेकिन सरकार इस बात को लेकर सतर्क है कि इसकी आड़ में किसी गरीब को निशाना न बनाया जाए। बुलडोजर वाली कार्रवाई से पहले कानूनी प्रक्रिया का पूरी तरह पालन किया जाए। लखनऊ से समर श्रीवास्तव के साथ संतोष शर्मा, आज तक। आज तक की टीम यूक्रेन में ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। हमारी संवाददाता गीता मोहन मरियांका में एक बंकर से बता रही है युद्ध के ताजा हालात। ये एक बहुत ही डीप बंकर है, आपको आवाज सुनाई दे रही है बाहर एक्शन की। यहाँ पे ये जो बॉर्डर एरिया है मरियांका और डोनेस्क और डॉनबास के इलाके से है, के बीच से है। यहाँ पर हम बात करेंगे ऑफिसर से कि यहाँ पर क्या ऑपरेशनल सिचुएशन है। मरियांका की बात हम करते हैं तो वहां पर यूक्रेनियन फोर्सेस ने अपने रॉकेट लॉन्चर्स, अपने मिसाइल्स सब कुछ वहीं पे तैनात किए हुए हैं, वहीं पे सिचुएटेड हैं, तो इसलिए सबसे ज्यादा अगर हमला होता है मरियांका से होता है। और जो अटैक्स आप देख रहे हैं लाइव एक्शन यहां पर, वो कंटिन्यूसली आप देखेंगे मरियांका और ये जो डोनेस का बॉर्डरिंग इलाका है उन दोनों के बीच भयंकर लड़ाई चल रही है। हम यहाँ एक फॉरवर्ड बेस में हैं, ये बंकर है, जो सोल्जर्स हैं वो बिल्कुल तैनात हैं और एकदम अलर्ट में हैं, क्योंकि यहाँ पे फॉरवर्ड मूवमेंट नजर आ रहा है यूक्रेनियन फोर्सेस का, यूक्रेनी सोल्जर्स का। तो ये जो बेस है इसे रिजर्व बेस कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है ये प्रोटेक्शन दे रहे हैं उन सोल्जर्स को जो आगे बढ़ रहे हैं, यूक्रेनियन सोल्जर्स को डायरेक्टली उनको कंटेन करने के लिए। तो जो आगे मूव कर रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे अगर आप देखें ये लोग शॉट्स फायर करते हैं ताकि वो लोग आगे बढ़ सके। तो ये वो बेस है, बिल्कुल फॉरवर्ड पोजीशन है, इसके उस पार मरियांका है। तो फॉरवर्ड पोजीशन में हम यहाँ पे खड़े हैं जहां पर रूसी फोर्सेस, डोनेस्क के फोर्सेस कोशिश कर रहे हैं कि न केवल ये जगह उनके अंडर रहे लेकिन मरियांका जो है वो भी इनके अंडर आ जाए, क्योंकि वहीं से सबसे ज्यादा जो अटैक्स हो रहे हैं इस तरफ यूक्रेनी फोर्सेस के, वो उसी तरह यहीं से हो रहे हैं मरियांका से। तो कहीं कहीं ये ब्रेस्ट वर्क जो है ये थोड़े कम है, तो इसलिए हमें कहा गया है कि झुक के चले ताकि हमारे जो टोपियां हैं वो नजर ना आए। तो जहां जहां ये कम होते हैं वहां वहां हमें झुकना पड़ता है, और फिर जहां जहां ऊपर होते हैं खड़े हो सकते हैं। मैसिव एक्शन हो रहा है यहाँ पे मरियांका में, यूक्रेनियन फोर्सेज हैं और यहाँ पे रूसी फोर्सेज। अगर आप देखें तो आप यहाँ पे एक्शन होने लगा है और हम इन ट्रेंचेस में ही हैं, लेकिन ये जो बॉर्डर इलाका है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर जो फोर्सेस है वो काफी दिनों से लड़ रहे हैं, चाहते हैं कि मरियांका उनके कंट्रोल में आ जाए। यूक्रेनियन फोर्सेस जो है उनके लिए मरियांका काफी इम्पोर्टेंट है, सारे ग्रैड्स, आर्टिलरीज, फायरिंग वहीं से हो रहा है। ये रेकोशे कर रहा है हमारे बिल्कुल ऊपर। ये बहुत बड़ा मैदान जो एक खेत है वो मरियांका, जहाँ पे यूक्रेनी फोर्सेस है और जो डोनेस्क और रूसी फोर्सेस इस तरफ है उसके बीच है। चार दिन पहले यहाँ पर यूक्रेनी फोर्सेस ने अटैक किया और आप देख सकते हैं इस पूरे गड्ढे से कि अटैक कितना बड़ा रहा होगा। अगर ये थोड़े और दूर पहुंचता तो बहुत ही ज्यादा घातक हमला होता रूसी और डोनेस्क के फोर्सेस पर, लेकिन क्योंकि ये मैदान पर गिरा ज्यादा कोई नुकसान नहीं हुआ। अगर आप डैमेज देखें, हमें पता नहीं
ने यहाँ पे रॉकेट मिसाइल या बॉम्ब गिराया था, लेकिन अगर आप डैमेज देखे उससे आपको अंदाजा हो सकता है कि यूक्रेनी फोर्सेस किन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो मरिंका की पकड़ बनाए रखे और रूसी और डोनेस्क फोर्सेस को पीछे रखे। कैमरा पर्सन सत्य राउत्रे के साथ गीता मोहन आज तक। रेलवे स्टेशन पर मिसाइल से जो हमला हुआ उसके बाद कोहराम और बचा है। यूक्रेन अब ये कह रहा है कि जहां से लोग निकलना चाह रहे हैं वहां पर भी रूस के हमले हो रहे हैं, यानी सीधे तौर पर टारगेट पर अब आम लोगों को रूस करता हुआ नजर आ रहा है। 52 लोगों की मौत हुई है, 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ज़ेलेंस्की ने इससे रूस का एक और अपराध बताया है और रूस ने इस हमले से हालांकि इनकार किया है। बूचा में जो नरसंहार हुआ उसको लेकर भी रूस ने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि उसकी सेना पहले ही वहां से निकल गई थी। उसके बाद 4 दिन के बाद ये जानकारी दी गई कि बूचा में इस तरीके से नरसंहार हुआ है। जिस तरीके के हालात वहां बने हुए, इस बीच देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है। 45वें दिन भी रूस यूक्रेन के बीच युद्ध की स्थिति बनी हुई है। रूस के हमले लगातार हो रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर मिसाइल अटैक हुआ है जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि वहां पर बहुत सारे आम लोग थे। 52 लोगों की मौत की खबर अभी प्राथमिक तौर पर, 100 से ज्यादा लोग घायल हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रूस का एक और युद्ध अपराध ज़ेलेंस्की इसको मान रहे हैं, लेकिन रूस इन दावों को, इन आरोपों को खारिज करता हुआ नजर आ रहा है। रूस कह रहा है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो अब इस जंग में आम लोगों की जान और जाती हुई दिख रही है। जिस तरीके से अब रिहायशी इलाके हो, रेलवे स्टेशन हो, गांव हो, यहां पर भी अब हमले हो रहे हैं। मुस्तमिल में क्या स्थितियां हैं, वहां हमले तेज हुए हैं, हालात ताजा क्या है, हमारे सहयोगी राजेश पवार ग्राउंड रिपोर्ट आपके लिए लेकर आए, देखिए जरा। मैं इस वक्त गास्तमोल एयरपोर्ट पे हूँ जो कीव के आउटस्कर्ट्स पे है, और ये अभी एक टूर ऑर्गेनाइज कराया है यूक्रेन गवर्नमेंट ने, जर्नलिस्ट का, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट का। और पीछे मेरे ये बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं, ये जो मरिया हवाई जहाज है जिसका इतना जिक्र हुआ था, जो युद्ध के दूसरे ही दिन रूस की एयर स्ट्राइक में बर्बाद कर दिया गया था, दुनिया का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। और पूरे इलाके में यहाँ जमीन पर आप देखें तो चारों तरफ मलबा बिखरा पड़ा है, एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम्स का, टैंक्स का, दूसरी गाड़ियों को जो तबाह कर दी गई थी एयर स्ट्राइक में, पूरा कॉम्प्लेक्स पूरी तरह से तबाह हो गया था ताकि इसको किसी भी तरह से इस्तेमाल में ना लाया जा सके। और रूसी स्पेशल फोर्सेस ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया था तीसरे युद्ध के तीसरे ही दिन, कीव के इतने नज़दीक, कीव से सिर्फ 20 से 25 किलोमीटर दूर है ये गास्तोमल एयरपोर्ट। ये एक रॉकेट है देखिए जो पूरे कंक्रीट को फाड़ के अंदर घुस गया है, 2/3 हिस्सा इसका अंदर है अभी। और इस तरह के रॉकेट्स फायर किए गए थे यहाँ गास्तोमल में ताकि ये रनवे है उसको कोई जहाज टेक ऑफ करने के लिए इस्तेमाल ना कर सके। और जो मेन रनवे है यहाँ पर जो उस तरफ है, और ऐसे उसमें यहाँ रॉकेट्स भरे पड़े हैं पूरे एरिया में ताकि कोई भी जहाज वहाँ लैंड ना कर सके और वहाँ से टेक ऑफ ना कर सके। दूसरा बड़ा ट्रांसपोर्ट जहाज है एंटोनोव का, यहाँ ये हैंगर बिल्कुल मरिया के हैंगर के अपोजिट साइड है। ये जहाज इतनी तबाही से बच गया है, लगभग सुरक्षित नजर आ रहा है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर ये रखा हुआ है वो पूरी तरह से तबाह हो चुका है, और शायद ये जहाज भी इस्तेमाल करने की स्थिति में इस वक्त नहीं होगा। ये जो ये व्हीकल्स हैं आर्मर्ड पर्सनल कैरियर जो इस इलाके की रक्षा कर रहे थे जिस वक्त यहाँ हवाई हमला हुआ और पूरे इलाके को रूसी हवाई हमले और मिसाइल हमले में तबाह कर दिया गया था युद्ध के दूसरे दिन। ये एंटी एयरक्राफ्ट जो गन जो फायर की जाती है जहाज के ऊपर, उसके बेल्ट के टूटे हुए हिस्से जो फायर शायद नहीं किया जा सके, फायर करने से पहले ही तबाह कर दिए गए, ये वो हिस्से हैं। और ये एंटी एयरक्राफ्ट गोलियां बिखरी पड़ी हैं चारों तरफ। ये बहुत बड़ी बेल्ट होती है, एक लंबी बेल्ट होती है जो बहुत गति से फायर करती है ताकि जहाज को तबाह किया जा सके, पर इससे पहले कि ये फायर कर पाती ये एंटी क्राफ्ट गन ही तबाह कर दी गई शायद मिसाइल स्ट्राइक में जो हुआ था यहाँ दूसरे दिन, युद्ध के दूसरे दिन ये स्ट्राइक हुआ था। तो जंग के बीच यूक्रेन के लोग देश की सलामती की प्रार्थना कर रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोगों को रेस्क्यू करने के लिए हर वक्त तैयार हैं। एक ऐसे ही शख्स के बाद हमने की हमारी संवाददाता मौसमी सिंह की रिपोर्ट, आपको दिखाते हैं।
साशा एलेक्स कुछ इस तरह रोज अपनी बोट लिबर्टी में प्रार्थना करते हैं। ओम का सिंबल आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ओम लिखा हुआ है और ऊपर लिखा हुआ है लिबर्टी और उसमें एक संदेश है। दरअसल आजकल साशा के लिए यही पूरी बोट जो है वो घर बनी हुई है, क्योंकि जब से युद्ध की रणभेरी बजी है साशा का ये कहना है कि वो लोगों के लिए इस बोट में ही जगते हैं, सोते हैं और रहते हैं, ताकि पता नहीं कब पुल टूट जाए, पता नहीं कब शहर तबाह हो जाए और लोगों को बाहर ले जाना पड़े। साशा, आप कितने दिन से, फॉर हाउ मेनी डेज यू हैव बीन स्लीपिंग इन दिस बोट एंड यू व्हाट ऑल हैव यू रेडी फॉर इमरजेंसी? फ्रॉम द फर्स्ट डेज ऑफ वॉर आई वाज स्लीपिंग हियर विद माय फ्रेंड। तो ये है साशा की बोट और अपनी बोट में पूरी तैयारी करके रखी है। बाहर से भी हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से लिबर्टी, लोगों को लिबर्टी देने के लिए और लोगों की लिबर्टी बरकरार रखने के लिए पूरी तरह से तैनात और तैयार है। आइए साशा, और देखिए यहाँ पे आप प्लस साइन दिख रहे हैं किस तरह से इमरजेंसी के लिए ये बोट रखी गई है। ताजा ताजा पेंट है, जब से युद्ध शुरू हुआ है तभी से साशा हमने बताया आपको कि यहाँ पे सो रहे हैं। और साशा, यू पेंटेड दीज रेड क्रॉसेस, व्हाई? जस्ट टू हेल्प पीपल। तो यहाँ पे आप देखिए कि आपको नजर आएगा किस तरह से 1, 2, 3, 4 रेड क्रॉसेस लगाए गए हैं इस बोट लिबर्टी पे। पहले ये पानी में नहीं थी, लेकिन युद्ध के बाद साशा ने इसको पानी में डाला और उसके बाद कैसे जैसे तैसे करके यहाँ से, अगर मिकुलाइव जल्द उठता है तो कैसे सिटीजन्स भागेंगे, अपने लिए नहीं, उन्होंने तैयारी की अपने नागरिकों के लिए और अपने लोगों के लिए। कुछ इस तरह से यहाँ के लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और कोई ना कोई तरीका जो है सोच के बैठे हैं कि अगर बमबारी ज्यादा तेज हो जाती है, क्योंकि लगातार धमाकों का शोर तो हो ही रहा है, तो बोट के जरिए नहीं तो सड़क के जरिए हम यहाँ से भाग निकलेंगे। कैमरा पर्सन परमिंदर शर्मा के साथ मौसमी सिंह, मिकुलाइव, यूक्रेन आज तक।